ना रुको मामे आदो आदो करती है अगर बड़ी बहू को सुनियो गई बिटियों दिलाए रहे रुकमिणी में कौआ की गाय देखो जवाब दो ए है कन्हैया ने कन्हैया विचार कर रहे हैं बारे पंडित जी हमने एक रुक्मिणी को बुलाओ पंडित जी तमाम लान लगाए दे अब हम किने किने ले जाएं शंका में पड़ गए शंका में दो लोग पड़े द्वापर में और त्रेता में ध्यान रखना बहुत पूर्वाल शब्दों पर ध्यान देना कन्हैया सोच रहा है कि अब हम कौन कौन कन्हैया में समय सजीवनी है अब मैं कौन ले जाऊं तो हनुमान ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उधर द्वापर में भगवान कन्हैया शंका में पड़ रहे अब जब रुक्मिणी कौन सी है अब रुक्मिणी मन में जब विचार कर रहे ऐसे ना हुए बोली हमारे दो के इन बिटिया ने कौन लेना है हम रह जाए तो जा हाथ में कंगन बंधु रहे वो ही हाथ ऊपर करो और जवाब दो बहना बोलो जब नकली है जो दंडर वक्र की है जब फौज की नकली है ये शिशुपाल की है जो ऊपर हाथ उठाओ है ना कंगन बंधु रहे कन्हैया समझ गए जी जवाब दो रुक्मिणी बोली क्या नाम है तुम्हारा श्याम अनेक नाम है हमारे
एक बगल में सहेली खड़ी रह जाए बरियो ओइसो लगत बताओ अनेकना जिज्जी ने पूछी काना वो नाउना बताए पा। अब समझो भगवान के तो अनेक नाम जिस प्रकार से बुलाओ भगवान बस वो ही नाम पड़ जाता है। कमर में क्या बंसी बजा लेते हो बहुत सुंदर तो ने थोड़ी ने बंसी को ने बजा करके सुना दो कन्हैया बोले अगर हमने बजाई बसुरिया पर ये चार अलग लगे दुश्मन मन तारे बसुरिया वैसे माधव की टेढ़ी बसुरिया हमने बजाई है तो रुक्मिणी बोली तो दिखाई दे तो आगे को जैसे ही हाथ बढ़ाया है तो भगवान कन्हैया ने बिल्कुल देरी नहीं की ए भैया लता में लई तारी भैया बबुई आज से ही जल्दी बैठा ला साथ की जो सहेलियां थी घबराएगा भैया बिटिया आज गई मन चार बिटिया होती तो कुछ अलग अलग वृत्ति की होती एक बिटिया रहे हंसी मजाक करने वाले खुश दिल रहे अब रुको मत तो क्रोध में अब एक बिटिया बोली भैया गज बोलियो का सुन